नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज की जो क्लासेस अपन करेंगे, करेंट अफेयर से संबंधित, नवीन योजनाओं से संबंधित, अनुपूरक बजट से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली बार आए तो वीडियो को अपन लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम, पुलिस भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला परिचालक, शिक्षक भर्ती, CGPSC प्री जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके बजट से संबंधित, साथ ही चर्चित व्यक्ति आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार रिवाइज करके यहाँ से जाइएगा। जैसे कि अपन आज की क्लास करेंगे चर्चित व्यक्ति से, नवीन योजनाओं से, जैसे कि हाल ही में अभी चर्चित विधानसभा चुनाव से संबंधित मुख्य प्रश्न बनते हैं, साथ ही अभी जो योजनाएं हैं वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि महतारी बंधन योजना आप सभी को मालूम होगा और बहुत सारे चर्चित हैं, और धान से संबंधित जो कि ग्रेड ए और कितने कुंटल धान चल रहा है, ये सभी हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम योजनाएं से संबंधित प्रश्न देखेंगे, उसके बाद विधानसभा से जितने भी टॉपिक बनते हैं कवर करते चलेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, है ना, अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि हम सभी आप सभी को कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी महतारी बंधन योजना जो है चल रही है, तो देखिए छत्तीसगढ़ महतारी बंधन योजना का क्या लाभ है, कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इस योजना के तहत जो सरकार है, हर महीने आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा विवाहित महिलाओं के लिए, और साल में आपका यानी कि 12 महीने में आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। आर्थिक सहायता लाभ मिलेगा, यह है आपके राशि यानी कि महिलाओं के बैंक के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यह राशि जो है सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डाला जाएगा, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, महतारी बंधन योजना से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हर साल 12,000 रुपये वित्तीय राशि दिया जाएगा महिलाओं को विवाहित के लिए, और हर महीने कितना दिया जा रहा है आपको, 1,000 रुपये दिया जाएगा, दिया नहीं जा रहा है, दिया जाएगा, है ना। और सरकार महिलाओं की योजना में देखिए जो द्वितीय अनुपूरक बजट है ना, द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना में, तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर महिलाओं के लिए जो विवाहितों के लिए पूछा जाए कि सालाना कितना दिया जाएगा साल में, तो 12,000 रुपये, महीने का 1,000 रुपये, ठीक है, इतना तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर योजना का नाम तो आपको बता दिया, घोषणा कैसे की गई, घोषणा की गई मतलब किसके द्वारा किया गया है, तो भाजपा सरकार द्वारा। एग्जाम में पूछ सकता है कि महतारी बंधन योजना की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो आप बताएंगे भाजपा सरकार द्वारा। अगर देखिए लाभार्थी आपको बताएंगे राज्य की विवाहित महिलाएं, है ना, उद्देश्य क्या है, तो विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। सहायता राशि कितना रुपए दिया जा रहा है, 1,000 रुपए, है ना। तो छत्तीसगढ़ में अब सबसे देखिए आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा वन लाइनर के टाइप में मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी बंधन योजना के अंतर्गत कितने रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, तो कितने रुपये दिए जाएंगे अगर आपको मालूम है कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसका है 12,000 रुपये। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपये राशि भूमिहीन खेतिहर मजदूर को दिया जा रहा है, तो कितना दिया जा रहा है, तो 10,000 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में अभी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही रुपये कुंटल धान की खरीदी का भुगतान किया जाएगा, कितना, 3,100 रुपये, यानी कि 3100 रुपये दिए जाएंगे, है ना। और इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे बोनस दिया जाएगा और क्या इसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रेड ए धाने का ग्रेड ए कितना लिया जा रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि खरीफ वर्ष 2023-24 में क्या है इसका, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ में क्या सम्मानित किया गया है, तो नगर पालिका निगम रायगढ़ में कचरा प्रबंधन में कामयाबी शिखर पर पहुंचकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आपका दूसरा स्थान प्राप्त किया गया, कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है। अब देखेंगे कि हाल ही में
हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं कौन बने हैं, क्या नाम है उनका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन बने हैं। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, वो कौन से क्रम के हैं एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। तो कौन से क्रम है, तो छठवें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, ठीक है। और सांसद तो मतलब चार बार वो रह चुके हैं, चार बार है ना, मैं आपको पूरा बताऊंगा। नवयुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो है श्री विष्णुदेव साय का जन्म आपका 21 फरवरी 1964 को हुआ है। और विष्णुदेव साय कितनी बार लोकसभा में चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कितने बार चुनाव जीत चुका है विधानसभा चुनाव में, तो चार बार, याद रखना कितने बार, चार बार, ठीक है। अब इस राज्य के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई में उप महानिरीक्षक बने हैं, कहाँ के बने हैं, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। हाल ही में चर्चित, मैंने आपको बताया था चर्चित से भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चर्चित चोड़ी घाट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बस्तर जिले में, इसको एक बार नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा हमारे व्हाट्सएप पर। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 31 दिसंबर से लाइव क्लास लिया जाएगा शाम 7:30 बजे। छात्रावास अधीक्षक, सीजी पीसीपी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए हमारे क्लासेस चालू होने वाली है 31 दिसंबर से, छत्तीसगढ़ की क्लास और कंप्यूटर का क्लास, ठीक है। अब एक बात है कि वुमेन प्रीमियम लीग यानी कि WPL के लिए छत्तीसगढ़ कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो आप बताएंगे दो खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी, दो खिलाड़ी। चलिए अब बात करते हैं बोनस को किसानों को कितना दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2023-24 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 2183 रुपये, याद रखना, अगर 2023-24 में पूछा जा रहा है तब की बात है ना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का कितना है, 2183 रुपया, जबकि धान ग्रेड ए का 2203 रुपये है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ सरकार आ गई है, अब चुनाव हो चुका है ना। तो साय के अनुसार यानी कि विष्णुदेव साय जी ने यहाँ पर वादे के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के रूप में 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदने के लिए किसानों को सरकार के लिए MSP धान का रखा गया है, कितना, 3100 रुपये, और 917 रुपये बकाया राशि यानी कि बोनस, 917 रुपये, ठीक है, बोनस देगी। अब देखिए, साय सरकार ने किसानों से चुनाव में वादा किया था कि सरकार पर हर किसान के अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है। और पहले यही घोषणा कर दी थी, और इसके मुताबिक अब भी यह सरकार देखिए कृषि उन्नति योजना के तहत प्रत्येक किसानों को एकड़ उपजाई के धान के ऊपर एवज में 19,257 रुपये का बोनस दिया जाएगा। अब किसानों को मिले पहले से 30,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि अभी आप याद रखना, पहले भूपेश सरकार जी ने यहाँ पर देखिए जो धान की खरीदी का लक्ष्य 110 रखा गया था 2022-23 में, लेकिन उसका जो अधिकतम रखा गया था 125 मिलियन टन रखा गया था, लेकिन अब साय अब देखिए अब यहाँ पर मतलब सरकार बदल रही है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो साय ने इसमें रखा गया है 130 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है इस साल जो राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में जो है साय मतलब साय सरकार जी यानी कि विष्णुदेव साय जी ने यहाँ पर 130 लाख मीट्रिक टन, आप देखिए जो आंकड़े हैं उनको याद रखना आवश्यक है, नवीनतम आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो उसको एक बार अच्छे से कवर करके जाइएगा, पुराना आंकड़ा को याद न रखिएगा, है ना। अगर पूछ दिया जाए कि 2022-23 ऐसे करके, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 21 क्विंटल तो आपको पहले बताया, धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को प्रति एकड़ खरीदी जाए, ठीक है। अब देखेंगे वोटिंग के बारे में, विधानसभा चुनाव से संबंधित, जिसमें आपका विधानसभा जो चुनाव हुआ था तो दो चरणों में हुआ था। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाए कि विधानसभा से जो चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, तो दो चरणों में हुआ था, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण आपका 7 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण आपका 17 नवंबर को हुआ था। तो देखिए 7 नवंबर को 20 जो थे, 20 है ना, और 17 विधानसभा, देखिए 20 वो मतलब 20 सीट थे, और जबकि 17 नवंबर को 70 सीट, दोनों मिलाकर कितना हुआ, 90 सीट, ठीक है। अब देखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, इसका मतलब डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट हैं, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें आरक्षित यानी कि 51, जबकि 29 आपका ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, साथ ही
10 आपका एसी अनुसूचित जाति के लिए। इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी आने वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट में कवर करा दूंगा, है ना। तो ये आपको पार्ट वन वीडियो था। पार्ट टू वीडियो आपको पूरा विधानसभा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्या है कैसे, मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक इंतजार करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।